मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से होकर जाने वाली खंडवा अकोला लाइन एक बार फिर प्रारंभ होने जा रही है। इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। गत बजट में 888 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट में इस खंडवा अकोला रेलवे लाइन के लिए 910 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसके लिए क्षेत्र की जनता की ओर से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त किया। दरअसल गत वर्षों से फॉरेस्ट लैंड से होकर रेलवे लाइन का मामला अटका पड़ा हुआ था, वह भी स्वीकृत होकर अब शीघ्र ही खंडवा अकोला लाइन प्रारंभ हो सकेगी। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। प्रावधान किया गया है, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लगातार हम बहुत दिनों से लगे हैं कि इस काम को गति मिले, और गति मिलकर जैसा पहले अकोला के लिए महू से लेकर खंडवा, खंडवा से लेकर अकोला तक के लोगों जो ट्रेन की सुविधा मिलती थी, वो सुविधा मिले तो थोड़ा बहुत फॉरेस्ट का इशू भी था, वो फॉरेस्ट का इशू भी लगभग उसका भी निराकरण हो चुका है। उसको भी ध्यान में रखते हुए 910 करोड़ रुपये की बजट में प्रावधान किया गया है, तो उस बजट में प्रावधान करने के कारण उस काम को गति मिलेगी और जल्दी ही आने वाले समय में लोगों को सुविधा मिलेगी। देखिए, ये बजट जो है, ये बजट पूरे देश के गरीबों के कल्याण की योजनाओं को लेकर, हमारी मातृशक्ति को मजबूत करने को लेकर, हमारे समूह की लाडली दीदियों को लखपति बनाने का जो निर्णय किया गया है, और 10-20 लाख नहीं 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और चाहे मातृशक्ति हो, चाहे किसानों के कल्याण की बात हो, चाहे गरीबों के कल्याण की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाली, रोजगार देने वाले बनाने की बात हो, तो चारों वर्गों को विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अपनी सरकार ने इस बजट में विशेष रूप से उनका ध्यान रखा है, और ये बजट निश्चित रूप से हमारे देश को एक दिशा देने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र को, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे खेलकूद हो या कृषि हो, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। मैं सभी जनता की तरफ से, खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और महू से लेकर तो अकोला ब्रॉडगेज के उन्नयन के लिए 910 करोड़ रुपए, पिछली बार 888 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था और इस बार 910 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, तो मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई।